हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मेरी फैमिली गई थी एलेगिरी। तो उन लोग का सेकेंड डे था, वहाँ पर जो घूमे थे वो लोग वहाँ पर बहुत इन्जॉय कर रहे थे, जो मैंने मिस कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी जब मैं इंडिया जाऊँगी। तो वहाँ पर वो लोग सेकेंड डे वो लोग घूमने गए थे एडवेंचरस पार्क, जो कि एडल्ट भी जा सकते हैं। अडल्ट के लिए भी था, बहुत अच्छा सर था। वो लोग ने वीडियोस अभी आप लोग आगे वीडियो में देखोगे। एक्चुअली एक बात मैं जो कहनी थी आप लोग से, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एलेगिरी में घूमने की इतने सारे जगह भी है करके। ऐसे लोग बोलते हैं एलेगिरी में क्या है घूमने के लिए, ऐसे कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बट हमने जब गूगल में सर्च किया, हम जब गए तो हमें पता चला कि इतने सारे जगह वाकई है यहाँ पर। जब हम लोग फर्स्ट फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली गई थी, तो बहुत सारे लोग ने डिसअपॉइंट कर दिया कहते हुए कि क्यों आप लोग ने वेस्ट अपना पैसा क्यों वेस्ट किया वैन बुक कर, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। फिर देखते हैं, ठीक है बुक तो कर दिया है तो देखते हैं। हम लोग ने तो गूगल में देखा, तो ऐसे सोच कर तो चले गए अल्लाह का नाम लेकर। पर फिर देखो, हम लोग का पैसा तो आराम पता ही नहीं चला कि कितना एंजॉय किया, और पैसे भी वसूल हो गया हम लोग का। तो ऐसे लगा हम लोग को, ठीक है यूज़फुल हुआ पैसा हमने जो भी हमने लगाया था वैन पर, और बहुत अच्छा एंजॉय किया था लास्ट टाइम। तो ये इस बार सेकेंड टाइम गए थे, और वहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा है, और क्लाइमेट भी अच्छा था, अच्छा खासा ही था। वो लोग ने कहा था कि अच्छा चिल था क्लाइमेट, इट्स नॉट लाइक सो कोल्ड, बिकॉज अभी तो समर चल रहा है वहाँ पर इंडिया में। तो वहाँ पर तो थोड़ा माइल्ड सा, प्लेजेंट सा क्लाइमेट था वो लोग ने कहा था। और बहुत अच्छा, खाने की जगह भी अच्छी थी, रेस्टोरेंट्स भी वहाँ पर अच्छे हैं, ऐसे वो लोग ने कहा था। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वीक, आप लोग देखोगे कि क्लिप्स में कितना एंजॉय किए। तो आप लोग भी जब भी जाएंगे एलेगिरी, तो इस प्लेसेस में घूमना करना, और शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोज़ को। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। अभी आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखोगे कितना मेरी फैमिली घूमी मुझे छोड़कर। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी एंटर हुए हैं ये लोग एडवेंचरस पार्क के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस प्लेसेस हैं अंदर ही। एंट्रेंस फीस भी है यहाँ पर, पापी जोन, ट्रेल वैली, बहुत सारे हैं यहाँ पर। एंट्रेंस फीस है 500 रुपीज़, एक कॉम्बो है कुछ 500 रुपीज़ का। तो 500 रुपीज़ में 5 राइड हम लोग जा सकते हैं ऐसे करके। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल सिंगल राइड लोगे तो एक राइड का 200, एक राइड का 300, ऐसे अलग अलग रहेगा। तो 500 ये लोग जा रहे हैं सर्फिंग, सारे बच्चे जा रहे हैं, और मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन भी जाकर है। मेरी अपनी बड़ी बहन को मैं बाजी बोलती हूँ, तो वो भी जाकर है, क्योंकि बच्चे अकेले कैसे करेंगे, इसीलिए सारे बच्चों के साथ वो भी जाकर है अंदर। अभी ये लोग राउंड राउंड घूमेंगे, राउंड 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 ये अच्छा मज़ा आता है। ये लोग बोले मुझे भी बहुत, ये जब भी देखी ना, ये मुझे बहुत, मुझे भी ख्वाहिश आ गई कि इसमें मुझे भी जाना है करके। ये कितना अच्छा लगता है, अभी ये कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं, सब सब उलट पुलट रहे हैं। मेरी बहन और उनकी बेटी जिप लाइन में जाएंगे यहाँ पर। मेरी भांजी को बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि वो उसमें जाए। हम लोग बोलते थे तुम छोटी हो अभी, तो अभी बोल रहे हैं वो 5 ईयर्स की हो गई, तो वो जाना चाहती है। तो ठीक है, कर कर उसको लेकर जा रहे हैं। वाओ सो स्वीट, कितना स्पीड से जा रहे हैं, एंजॉय किया अच्छे से। अब फिर उसके बाद ये लोग गए वहीं पर, बहुत सारे एडवेंचरस थिंग्स थे। अभी देखो ये लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। ये मेरे जीजू है, वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पत्थर पर वो चढ़ रहे हैं। वी कितना अच्छे से कर रहे हैं, देखते हैं कहीं गिर विर ना जाए ऊपर से।
तो फाइनली जीजू रीच हो गए, ये हम जंग जीत के ऐसे हो गए यहाँ पर, वो रीच हो गए फाइनली। अभी मेरे मामा देख रहे हैं, ठीक है हम भी जाएंगे, ट्राई करेंगे शायद, मे बी वो भी जाएंगे नेक्स्ट शायद, इसीलिए वो देख रहे हैं कि कैसे जाएं करके। अभी वो वापस ऐसे ही आ रहे हैं, जैसे कहते वैसे ही आना। बिल्ली को चढ़ना आता है उतरना नहीं आता, ऐसे कुछ बोलते हैं ना शेर को। हाँ बिल्ली को नहीं, देखो मैं कितना बोल रही हूँ, शेर को नहीं आता चढ़ना आता उतरना नहीं आता, इसीलिए अभी वो चढ़ा भी रहे और उतार भी रहे। अभी नेक्स्ट मेरे मामा चढ़ रहे हैं, तो वो अभी कितना फटाफट चढ़ेंगे आप देखोगे, कितना फट 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 करके जाएंगे। ऐसी उन्हें प्रैक्टिस है, वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं ऐसे रहते हैं ना लोग, जल्दी 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 जल्दी। ये वीडियो को मैंने ना लाइक फास्ट भी नहीं किया, मैं कभी भी हर वीडियो बोरिंग लगेगी इसलिए मैं 2x ऐसे कर देती हूँ भगाकर। ये तो भगाने की ज़रूरत ही नहीं, इतने जल्दी मेरे मामा चले गए, जाकर रीच भी हो गए माशाल्लाह से, कितने अच्छे से और जल्दी जल्दी चले गए थे। लैडर क्लाइंबिंग कर रही है, वेट करो वेट करो यार, तीन चांस है, वेट करो। मतलब सीढ़ी जो होते हैं ऐसे बोलते हैं ना, सीढ़ी ही अजमा, वेट कर रहे बोलते हैं, निहाल वेट कर रहे, क्लाइंब कर रहे हो। वहां पर मेरा भाई है, मामा का लड़का है, वो दोनों मिलकर क्लाइंब कर रहे हैं, देखते हैं कौन जाकर रीच होता है। भाई तो मेरा फर्स्ट जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है वो तो अपने पापा के साथ। क्या नीचे बोल रहा है, अरे उड़ गए समझो चाचा, लड़ना नहीं छोड़ो मम्मी है, देखते भी ना गिर जाए। भाई तो मेरा रीच हो रहा है ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह से देखो देखो कितना अच्छा है, वो सिर्फ 11 साल का है, वो चढ़गा चढ़गा माशाल्लाह से, वो रीच भी हो गया। ये मेरे बड़े मामा की लड़की है, ये अब ये ट्राई करने वाली है, ये बहुत अच्छी है, मेरी कजिन है ये भी। मेरी मम्मी जो गिरी वो बहुत हंस, मेरा तो मुझे सोच सोच कर हंसी आ रही। अब ये देखो ये मेरी भांजी है, खुद अपना ही कुछ एक अलग ही लैडर बना ली है, वहाँ पर वो चेक रोप्स वो टाई करके रखे है, तो ये खुद अब क्लाइंब कर रही है कुछ नया सा, सभी ऐसे ट्राई कर रहे हैं ना लैडर पर, तो ये ऐसे ट्राई कर रही है। चलो कुछ ना कुछ तो वो इन्वर्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ करने के लिए वो चुप नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उसे करते रहना चाहिए उसे। तो देखो मेरा भाई फिर से ट्राई कर रहा है। चलो अभी ये मेरा भाई और उसकी मम्मी, जैसे कि मेरे छोटी माँ मेरी मामी भी है, आंटी भी है, हम तो आंटी ओनली ओनली बचपन से आंटी बुलाकर ही हमारा ए दुपट्टा उठा लिया तो आंटी बुलाते हैं। तो ये दोनों ये टीवी मतलब वहाँ वो लोग ए टीवी कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पर कोई में यूजुअली बग्गी कहते हैं इसे, तो ये चला रहे, देखते हैं कैसे चलाते हैं लोग। आप लोग देखोगे कितना अच्छे से चलाएगा मेरा भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलाएगा वो, तो चलाते चलाते कहाँ जाकर वो डाल देगा पता नहीं उसकी मम्मी को। ऐसे लग देखो इसे टर्न भी नहीं कर रहा है वो, और मेरी आंटी जो है ना उन्हें भी चलाना नहीं आता है, तो वो भी ट्राई कर रही है फर्स्ट टाइम, टर्न 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 ऐसे वो टर्न ही कर रहा है। बीच बीच में आई थिंक वो आदमी जाकर, वो कौन आदमी है वो, अरे यार ये तो मेरे मामा है, मुझे मैंने लगा कोई और आदमी जा जाकर मेरे मामा और टर्निंग करने के बाद ये जाकर और जाकर टायर के पास छोड़ दिया। OMG यार, अभी मेरे मामा बैठ गए वहाँ पर, वहाँ से मेरे आंटी को डर हो गया तो वो उठ गई, तभी मेरे मामा बैठ के चला रहे हैं, बेटे को सिखा रहे हैं कि ऐसे चलाओ, ऐसे ऐसे पकड़ते ब्रेक, ऐसे टर्निंग करते करके, तो वो चला रहे हैं। बेचारी मेरी आंटी को छोड़ते तो वो पानी में ही जाकर गिरा देता अपना बेटा। वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल, वहीं उसी के अंदर है वो वाटर सब कुछ। तो ये एडवेंचर्स पार्क एक्चुअली कहाँ पर लोकेट होता है, एलेग्री में, जब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया होगा कि ये यहाँ की गली है, यहाँ पर ये गली पर यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स हैं करके, तो वहीं उसी रोड पर है ये। बच्चे खेल रहे देखो, डैशिंग कार खेल रहे मामा और निहाल, मतलब निहाल उनका लड़के का नाम है, और अजमा मेरी भांजी भी है उनके साथ, खेल रहे वो लोग। ये लोग यहाँ पर 70 शो कुछ बोल रहे थे, ये लोग मूवी कुछ देख रहे थे 70 शो करके,
तो वहाँ पर आकर बैठे लोग देखने के लिए, ये भी वहीं पर है लोकेटेड। 70 शो देखो, सब ऐसे यू कर रहे हैं सब अपना अपना चश्मा लगा दे, तो मूवी शुरू हो गई है तो देख रहे हैं। वाओ, अभी यहाँ पर ज़िपलाइन में अकेली अजमा आ रही है। हाँ, मेरी भांजी आ रही है, देखो माशाल्लाह से ज़िपलाइन में अकेली आ रही है। तो फाइनली उसका शौक पूरा हुआ, वो अकेली आ गई। फर्स्ट अपनी मम्मी के साथ आई थी, आई थिंक सेकेंड डे, और ये थर्ड डे की वीडियो है ये जो वो अब अकेली आई है। वो निहाल था, मेरे मामा का लड़का जो जंप कर रहा था, और ये भी निहाल ही है। देखो कैसे वो ज़िपलाइन में, वो भी अकेला ही आया है माशाल्लाह से। चलो, बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अकेले में भी मज़ा आता है। देखो ये लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर मेले की तरह कुछ है, ट्रेन है, सब बच्चे खेल रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखो एरोप्लेन में ही जा रही है दोनों, एरोप्लेन अजहान निहाल। देखो मैं अजहान बोल रही हूँ, अजमा का नाम लेना चाहिए और अजहान कह रही हूँ, अजहान कहती रहती हूँ ना, तो अजहान की हैबिट हो गई है। देखो ये अभी क्लाइंब कर रही है। अच्छा, निहाल था वो, अच्छा ठीक है, निहाल है वो। और ये देखो अजमा, दोनों क्लाइंब कर रहे हैं, कैसे माशाल्लाह से क्लाइंब कर रही है वो। रॉक क्लाइंबिंग, ये बच्चों का रॉक क्लाइंबिंग है ये एक्चुअली में। सो स्वीट। अभी देखो मेरे मामा का लड़का मतलब निहाल, वो बंगी ट्रैम्पोलिंग में जा रहा है। तो देखो कितना वो जंप कर रहा है। शाहरुख खान वो मूवी है ना परदेश में, वो जंप करता है, दिल की खता भी है क्या, मुझको दिला भी है क्या करके, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, ऐसे वो जंप कर रहा है, कोशिश कर रहा है, माशाल्लाह से कर रहा है वो। वेल डन, ही कैन डू इट, ही इज़ डूइंग गुड, अच्छी बात है, ट्राई कर रहा है वो, अच्छी बात है। बच्चों को ऐसा करता हुआ, ट्राई करते हुए देखने से खुशी होती है, अच्छा कर रहा है वो भी, देख कितना अच्छे से कर रहा है। अभी देखो बच्चों को झूला झूलते देखे, अभी ये देखो बच्चों का देखकर ये लोग को भी ख्वाहिश हो गई है, और ये लोग भी झूल रहे हैं, मेरे मामा और जीजू। देखो बच्चों में बच्चे, दिल तो बच्चा है जी, ऐसा है ये लोग का। देखो मामा क्लाइंब कर रहे हैं, मामा सॉरी, मामा मंकी की तरह आप क्लाइंब कर रहे हो। बोटिंग भी फीस का है, फिर हर जगह तो बोटिंग की फीस होती है, तो वहाँ पर फीस भी है। साइकिलिंग हो गई है, तो कपल्स ले लिए, मामा मामी मेरी बहन और जीजू, और लोग आई थिंक रो बोट या फिर मोटर बोट ही लिए होंगे। ये लोग रो बोट में जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी तो हम लोग फैमिली गेट टुगेदर जाएंगे। फिर मैं यूट्यूब पर आप सभी को अपडेट करूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, और हमारी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे हम लोग हमेशा। आप लोग की दुआ में याद रखिए, और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए। सभी को आप लोग मेरे वीडियोस के बारे में बताना। Thank you. Bye. Allah Hafiz. See you all. Shab khair.